अंदरूने सिंध का गांव देखा आप, कच्चे घर बने हुए हैं, कच्चा छपरा है सामने, लेकिन ये ठंडे होता है बहुत ज़्यादा। ये देखें, गर्मियों में तो बगैर पंखे के इंसान सुकून से लेट जाता। ये जो है ये गन्ने की फसल है, ये गन्ने उगाए हैं, गन्ने। हेलो दा, हाँ मुंह है ना वरी यार, ये तो गोया घट बात हूँ तो ना नारी जरा दे वही रोबी अरे तुम कुछ आपन किल्लियर अपन तो अंजाम भी है ना वरी मासी जी क्या नहीं जाम वाले पासे जी तो आप कुछ पूड़ मिले चक कहना दा कुछ फर्क आया है। हाँ माशाल्लाह से पेवर सिंध भैंस है, सिंध की है ये, पेवर नस्ल है सिंध की, बहुत माशाल्लाह हाई फाई भैंस है ये। इसके कम अज़ कम मेरे ख्याल है ये 2.5 लाख रुपये मांग रहा हूँ। इस तरीके से भैंस देखते हैं एक नज़र और उसके बाद शोर होता है। ये गाय देखना है, ये हमारे साथ बंदे आए हैं, इन्होंने बताया था गाय खड़ी हुई बिकने वाली, गाय देखने के लिए आए हैं। वो गाय हमें पसंद नहीं आई क्योंकि बहुत हल्की थी, तो हल्के जानवर हम लोग नहीं लेते, अच्छी दूध वाले जानवर ही लेते हैं। तो अभी वापस ही आ रहे हैं, हल्के फुल्के जानवर क्योंकि बाड़े में जाते ख़राब हो जाते हैं, तो इस वजह से हल्की चीज़ हम लोग ख़रीदते ही नहीं है, अच्छे जानवर ख़रीदते हैं। ये गोढ़ में है भाई, ये लोग इधर वॉलीबॉल खेल रहे हैं, मुझे देख के रुक गए। देख रहे थे ये हमारी वीडियो क्यों बना रहा, परेशान हो गए थे एकदम। मैंने भाई बनाओ बनाओ कोई टेंशन नहीं है, खेलो तुम, मैं वीडियो बना रहा हूँ।
मेरे घर ये भैंसें इधर चल रही थी, ये हमने ख़रीदनी है तो अंदर से इधर से बंदे इसको घेर कर लाया और अभी है ये आया मेरे चेक कर रहे हैं जानवर को भैंस को। ये भाई दोबारा चले गए घूमने फिरने जी। माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त व्यू है नहर का। ये छोटी नहर है, वो सामने वाली बड़ी नहर है और उससे आगे एक और नहर है, एक ये नहर है इससे आगे भी एक और है। ये देखें खूब नहा के मज़े करके घूम फिर के सुबह से चल रही होंगी, अभी ये जा रही अपने घर को।